Good morning and warm welcome to this lecture series. I Dr. Narendra Singh going to deliver a lecture on the topic sociocultural Cultural Modernization. This topic is specially designed for the students of MA or those students who are preparing for UGC NET and UPSC examination. Let's begin the topic. Sociocultural cultural modernization. Uh, the term in itself speaks a lot. -Culture, it means the modernization at the level of society. Okay so how the modernization at the level of society is possible? Uh, it is due to the change in the, you know, thinking, change in the culture or leading to the rational and scientific worldview. Uh, yesterday we have also discussed about it, that how rationality is a, you know, founding stone of this modern uh, world. okay. okay. हर एक चीज़ को आप किस मापदंड पे मापते हो रेशनैलिटी के बेसिस के ऊपर रैशनैलिटी का क्या मतलब होता है रेशनैलिटी का मतलब होता है चूजिंग ऑफ द एफिशिएंट मींस टू रीच एट अ गोल्स जो आपने गोल सोचा हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जब एफिशिएंट मींस का इस्तेमाल करते हो तो हम कहते हैं ये रैशनल एक्शन है दूसरी तरफ हम जब साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं तो कहने का है अर्थ है कि जब हम कोई भी काम करते हैं एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी उसमें हम रीज़न एंड लॉजिक के साथ सोचते हैं हम सोचते हैं कि ये काम ये जो हम कर रहे हैं <coughs> ये साइंटिफिकली कितना अप्रूव्ड है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी इग्नोरेंस की वजह से हम कर रहे हैं यहाँ इसमें किसी तरह का कोई सुपरस्टिशन इन्वॉल्व है ठीक है कोई हमारा मिथ इन्वॉल्व है कोई हमारा स्टीरियोटाइप इन्वॉल्व है ठीक है ना जैसे हम जब जेंडर थियोरीज़ की बात करते हैं तो जो विमेंस के साथ जुड़े हुए स्टेरियोटाइप्स हैं तो हम आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम उनको कहते हैं कि ये जो इस तरह से सोचना ठीक नहीं है जैसे हम कह दें कि विमेंस जो हैं जैसे ट्रेडिशनली लोग सोचते थे कि औरतें जो होती हैं वो मर्दों के मुकाबले कम एफिशिएंट होती हैं कम अकल वाली होती हैं लेकिन जब हम उसको साइंटिफिक पैमाने पे मापते हैं तो ये गलत प्रूव होता है कि ऐसा कोई नहीं है कि किसी बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से किसी की इंटेलिजेंस के ऊपर कोई असर पड़ता हो हर आदमी में औरत है चाहे मर्द है उसमें उतनी ही काबिलियत है ठीक है रादर की कुछ मसलों में जो वीमेन है वो मैन से ज़्यादा बेटर है ठीक है जैसे हम इम्यूनिटी के मैटर में देखते हैं उसके लाइफ स्पैन के मैटर में देखते हैं तो इस तरह से तो इसलिए जो साइंटिफिक जो वर्ल्ड व्यू है उसने क्या किया उसने हमारे उस स्टीरियोटाइप को क्या कर दिया ब्रेक कर दिया ठीक है न्यू सोशल वैल्यूज़ जो आज का जो मॉडर्न आर है वो एक नई वैल्यूज़ लेके आया है कौन सी नई वैल्यूज़ हैं वो नई वैल्यूज सोशल लाइफ में हैं इकोनॉमिक लाइफ में पॉलिटिकल लाइफ में अलग अलग तरह से हैं और प्राइमरीली अगर हम इसको देखें बड़े लेवल के ऊपर जैसे आज का आदमी बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है बड़ा कंज्यूमरिस्ट हो गया है बड़ा मटीरियलिस्टिक लाइफ वाला हो गया है। हर चीज़ में वो अपना मुनाफा देखता है हर चीज़ में वो देखता है कि मुझे इससे हासिल क्या होगा और हर चीज़ में वो लॉजिक ढूंढता है ठीक है आज के मॉडर्न एरा में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेल्फ़ वेलफेयर की बात करते हैं और स्टेट का भी जो फोकस है वो क्या है इंडिविजुअल वेलफेयर है ठीक है और इंडिविजुअल के कॉस्ट के ऊपर आप सोसाइटी की वेलफेयर नहीं कर सकते ठीक है जैसे हमने कुछ थिंकर्स पढ़े जैसे दरखीम हो गया तो वो वो ये क्या कहता है कहते सोसाइटीज़ ओवर एंड ऑफ द इंडिविजुअल लेकिन जो कलेक्टिव कॉन्शियस की वो बात करता है कि वो कलेक्टिव कॉन्शियस क्या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ज़्यादा स्ट्रांग होती है इसलिए वहाँ का लॉ जो होता है बड़ा रिप्रेसिव होता है वहाँ इंडिविजुअल को को ख़त्म कर दिया जा सकता है अगर वो सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा हो ठीक है लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जो वही लॉ जो है वो क्या हो जाता है रेस्टिट्यूटिव हो जाता है वहाँ इंडिविजुअल को नहीं ख़त्म किया जाता है या उस बुरे आदमी को नहीं आप ख़त्म करते उसकी सोच को ख़त्म करते हो जैसे गांधी का जो बड़ी पॉपुलर सेंग है कि बुराई बुरे को मत मारो बुराई को मारो है ना नॉट किल इविल डूअर्स बट द इविल्स ठीक है <coughs> तो बुराई को मारा जाए इसलिए उसको रेस्टिट्यूट किया जाता है है ना ये मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी का क्या है एक वैल्यू है रेस्टिट्यूट होता है उसको दोबारा सोसाइटी में एडजस्ट करना है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो सोसाइटी का एक फंक्शनल मेंबर बन सके ठीक है इसी तरह से हम मटीरियलिस्ट वैल्यूज मॉडर्न सोसाइटी में मटीरियल प्लेजर जो है सुप्रीम प्लेजर है ट्रेडिशनल सोसाइटी में स्परिचुअल प्लेजर सुप्रीम प्लेजर माना जाता था जैसे आप पी ए सॉरोकिन का साइकिलकल थ्योरीज पढ़ लीजिए जिसमें Uh, एक उनकी थेरी है जिसमें वो सेंसेट आइडियलिस्टिक आइडियल ना आइडिएशनल और सेंसेट सोसाइटी की बात हो सेंस आइडियलिस्टिक सोसाइटी क्या है <coughs> जिसमें जो बिल्कुल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर चलती है <coughs> आइडिएशनल तो मिडल वाली होगी और सेंसेट होगी जो प्रॉपरली प्लेजर के ऊपर चलती है तो प्लेजर ओरिएंटेड सोसाइटीज़ कौन सी हैं मॉडर्न सोसाइटीज और मॉडर्न सोसाइटी में प्लेजर कौन से वाला फिजिकल प्लेजर सेंसुअल प्लेजर ठीक है जो आपकी बॉडी ले सकती है जि, जिस जो आपकी बॉडी को मतलब कि सुख दे ठीक है पहले क्या होता था कि सोल के प्लेजर के ऊपर हम बात करते थे ठीक है तो ये क्यों हुआ क्योंकि मटीरियलिस्टिक जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं आज के दौर में डोमिनेंट हैं जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है जितनी ज़्यादा सुख सुविधा है उसको हम उतना ही बड़ा आदमी मानते हैं ठीक है तो बड़े होने का मापदंड अब आप कहो कि वो कितना स्पिरिचुअल है वो नहीं रह गया अब उसके कि उसके पास कितना मटेरियल वेल्थ है ठीक है ना कितनी प्रॉपर्टी है कौन सा लाइफस्टाइल है उसका ठीक है तो ये भी एक फ़ीचर है कि इसका मॉडर्न सोसाइटी का ये लेके आया है क्या चेंज एट द लेवल ऑफ सोसाइटी उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको कंसाइज करने की कोशिश करें कुछ फीचर्स में तो देखिए कहता है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है वो मूव किया है मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर की तरफ कैसे किया है क्योंकि कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जैसे अथॉरिटेरियनिज्म टू डेमोक्रेसी सोसाइटी अथॉरिटेरियन करैक्टर से मूव की है डेमोक्रेटिक करैक्टर की तरफ अथॉरिटेरियन करेक्टर क्या होता है अथॉरिटी इज सेंटर्ड इन फ्यू पर्सनस हैंड ठीक है जहाँ सिंगल पर्सन के हाथ में होगी या थोड़े से लोगों के हाथ में जो अथॉरिटी सेंट्रलाइज होती थी जैसे आप मोनार्किकल सिस्टम में आप देखते हो ठीक है ना जो पुरानी व्यवस्था थी जहाँ फ्यूडल सेटअप में आप देखते थे कि कुछ ही लोग जो होते थे जिनका प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल होता था वो तो अच्छी ज़िंदगी जीते थे लेकिन बाकी सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता था वो बिल्कुल एक लाइफ ऑफ सब्जेक्शन और सबॉर्डिनेशन वाली लाइफ जीते थे ठीक है और उनकी लोगों की डिसीज़न मेकिंग में कोई भी रोल नहीं था कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी एक आम आदमी क्या सोच रहा है उसको क्या तकलीफ़ है उसको क्या परेशानी है इससे रूलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और रूलर ऐसा भी नहीं है कि वो जो जो पर, जो सब्जेक्ट्स हैं जो लोग हैं उनकी वजह उनकी मर्जी से चुना जाएगा ऐसा भी नहीं है है ना वो हेरिडिटरी रूल होता था डायनेस्टी रूल होता था तो इस तरह से वो पास आन होता रहता था ठीक है तो लेकिन आज के दौर में हम जब हम बात करते हैं तो आज की जो सोसाइटीज़ हैं वो क्या है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फीचर है डेमोक्रेटिक होना ठीक है डेमोक्रेटिक शब्द दो शब्दों से बना है डेमस प्लस क्रेटिक और डेमस का मतलब पीपल और क्रेटिक मीन्स अथॉरिटी इट मीन्स दैट अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ पीपल अब अथॉरिटी किसके हाथ में आ गई लोगों के हाथ में आ गई पहले कुछ लोगों के हाथ में थी अब सब लोगों के हाथ में आ गई है ना और हर एक के पास राइट टू वोट है ठीक है हर आदमी की इक्वल से ही है जब हम लेजिस्लेशन बनाते हैं तो हमारे एम पी एम एल ए जो लेजिस्लेशन बनाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं जिनको वोट दे के लोग भेजते हैं असम्बलीज में ठीक है और वो उनके सहूलियत के हिसाब से क्या बनाते हैं कानून बनाते हैं जो लोगों की वेलफेयर कर सके इसलिए आज जो पब्लिक ओपिनियन है मास ओपिनियन है वो बहुत मैटर करती है आज तो आपने मास मीडिया के ज़माने में तो आपने देखा है कि अगर लोग किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर कराते हैं मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी करा सकते हैं और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं कि हम आपके इस लॉ से खुश नहीं हैं तो आप इसको क्या करिए चेंज करिए तो ये एक मॉडर्न सोसाइटी का बहुत बड़ा फीचर है नेक्स्ट फीचर है पर्टिकुलरिज्म टू यूनिवर्सलिज्म पहले जो सोसाइटी होती थी बड़ी पर्टिकुलरिस्टिक होती थी उसमें जो लॉ होते थे कुछ लोगों के लिए अलग होते थे और कुछ लोगों के लिए अलग होते थे ठीक है बड़ा ही पर्टिकुलर एक स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों को मिलता था और बाकी वालों को कुछ भी नहीं मिलता था वो बिल्कुल भी प्रिवलेज नहीं माने जाते थे लेकिन आज वो सोसाइटी किस तरफ मूव कर गई यूनिवर्सलिज्म की तरफ मूव कर गई आज सोसाइटी में जो लॉ लौ, लागू होते हैं वो यूनिवर्सल हैं जैसे इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी ह्यूमनिज़म ये इन प्रिंसिपल्स के ऊपर आज सोसाइटी गवर्न करती है ठीक है जिसमें वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल भी हैं ठीक है जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ठीक है एज ए ह्यूमन बीइंग जो आपकी सो पूरी दुनिया के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन्वायरमेंट के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ठीक है बच्चों के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वीमेन के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो यूनिवर्सलिज्म यूनिवर्सल इज इट मीन्स दैट एप्लीकेबल टू ऑल इन यू बिलोंग टू एनी कास्ट क्लास जेंडर और नेशन और एथनीसिटी ओके नेक्स्ट फीचर है मॉडर्निज्म का वो है मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम होलिज्म टू इंडिविजुअलिज्म पहले सोसाइटी में पहले की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें ग्रुप बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता था है ना इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द ग्रुप ग्रुप सॉलिडारिटी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर आपने डिस्टर्ब किया तो इट मीन दैट इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस ठीक है आपने कलेक्टिव कॉन्शियस को नहीं डिस्टर्ब करना है उसको नाराज़ नहीं करना है क्राइम की डेफिनेशन जब दरखीम देता है तो वो क्या कहता है कहता है क्राइम क्या होता है समथिंग विच यू डू अगेंस्ट द विश ऑफ सोसाइटी कोई भी ऐसा एक्ट जो आप सोसाइटी के अगेंस्ट करते हो वो क्राइम है यानी कि जो अगर मेजॉरिटी किसी चीज़ को गलत मान रही है तो वो क्या है गलत है अगर मेजॉरिटी किसी चीज़ को सही मान रही है तो वो सही है इंडिविजुअल का उसमें कोई भी मैं उसकी से नहीं रोल प्ले करती कि मतलब कि इंडिविजुअल बड़ा इंटेलेक्चुअल है तो ये नहीं, नहीं नहीं मैटर करेगा नंबर्स क्या है वॉल्यूम क्या है साइज़ क्या है ठीक है तो इसलिए ट्रेडिशनल सोसाइटी में ग्रुप वेलफेयर सोसाइटी वेलफेयर और उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी रची जाती थी जैसे आप कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटीज़ की बात कर लीजिए फ्यूडल ओरिएंटेड सोसाइटीज़ की बात कर लीजिए जिसमें क्या होता था कम्युनिटी मैटर करती थी ठीक है कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस किया जा सकता था लेकिन आज क्या हो गया इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम आ गए अब इंडिविजुअल वेलफेयर ज़्यादा मैटर करती है उसके बाद एथनीसिटी टू ह्यूमनिज़म एथनीसिटी को आप हाँ जहाँ पर हम कह सकते हैं कम्युनिटी एथनीसिटी कम्युनिटी हो सकती है आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी हो सकती है आपकी रेशियल आइडेंटिटी हो सकती है कल्चरल आइडेंटिटी हो सकती है पहले लोग जहाँ जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उसमें कम्युनिटी वेलफेयर ही इम्पोर्टेंट था ठीक है ना अगर मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप जब आप ये सोचते हैं कि मेरे ही रिलीजन के लोगों का वेलफेयर होना चाहिए या मेरी ही कास्ट के लोगों का वेलफेयर होना चाहिए मेरे ही रेस के लोगों का वेलफेयर होना चाहिए तो वो एथनिक ओरिएंटेड अप्रोच है ठीक है जिसे हम कॉम्यूनल अप्रोच भी कह सकते हैं लेकिन आज सोसाइटी एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में सोचती है वो कहते हैं कि वी शुड राइज अब दीज पैरॉकियल थिंकिंग्स और हमें ह्यूमन वेलफेयर की बात करनी चाहिए हमें एक इंसान होके सोचना चाहिए आप पहले एक इंसान हो बाद में आप किसी रिलीजन से संबंध रखते हो बाद में आप किसी रेस से संबंध रखते हो बाद में आप किसी कास्ट से रीजन से संबंध रखते हो ठीक है इसलिए आज ह्यूमनिज़म की बातें होती हैं मॉडर्न एरा में नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फ्राम डॉगोमेटिज़म टू द रेसनलिटी डॉगोमेटिज़म आप जानते हैं कि जो लार्जली uh, जो ट्रडिशनल सोसाइटीज़ में जो बिहेवियर था लोगों का वो बड़ा डॉगोमेटिक था डॉगोमेटिक क्या होता है जैसे रिचुअल और बड़ा होना ठीक है ना रिचुअलिस्टिक हो जाना बड़ा ज़्यादा uh, जैसे मान लीजिए आप मीन्स uh, को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं गोल को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं आपने मटन की थ्योरी पढ़ी आपने बैबर का भी पढ़ा हो तो उसमें वो बताता है कि जो आ, मीन कई बार इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो मीन इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो जो गोल होता है वो क्या होता है हम भूल जाते हैं ठीक है ना तो वो सोसाइटीज़ क्या बन जाती हैं रिचुअलिस्टिक सोसाइटीज़ बन जाती हैं <coughs> जैसे मान लीजिए हम किसी गॉड की वर्शिप करते हैं है वर्शिप करने का गोल क्या है हमने गॉड तक पहुंचना है <coughs> लेकिन होता ऐसा है कि जो जब वो वर्शिप का जो पैटर्न है वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गॉड साइडलाइन हो जाता है या जा फिर जो फिलोसफी है जिसके पीछे छुपी हुई जो फिलोसफ़ी है वो क्या हो जाती है साइड हो जाती है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझा सकता हूँ जैसे देखिए मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं आप नमाज़ कर रहे हैं लेकिन आपकी उस रिचुअलिज्म के दौरान क्या होता है आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन आपके सामने तो एक स्थिति है कि आप जहाँ तो उस एक्सीडेंट जिसका हुआ उसको उठा के हॉस्पिटल पहुँचाओ तो या फिर आप पहले अपनी वर्शिप करो अगर आप पहले वर्शिप करोगे तो वो बंदा मर सकता है तो अगर आप वर्शिप को इम्पोर्टेंस दोगे तो इट मीन्स कि आपकी वर्शिप क्या होगी डॉगमेटिक होगी क्योंकि आप ये भूल गए कि अल्टीमेट पर्पज़ जो गॉड ने आपको दिया है उस तक पहुँचने का वो है सर्विस टू ह्यूमैनिटी आपने एक रिचुअल को परफॉर्म करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा रादर की जो इंसानियत है जो जो उसके पीछे छुपी हुई फिलॉसफी है उस रिचुअल के पीछे कि आपने गॉड तक पहुंचना है अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना है वो आप क्या कर दी आपने साइडलाइन कर तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो डॉगमेटिक बिहेवियर कहलाता है लेकिन आज की सोसाइटी इस डॉगमेटिज्म से निकल के रैशनैलिटी की तरफ मूव करती है तो आज लोग बोलते हैं कि देखो अगर तो हम किसी का अच्छा करते हैं ना बेशक हम भगवान को पूजा नहीं भी कर पाते या नमाज नहीं भी अदा कर पाते लेकिन ऊपर वाला जानता है कि ये अच्छा काम कर रहा है तो वो वही नमाज है वही ईद है वही रोज़ा है वही व्रत है वही पूजा है वही, पूजा है, वही सब कुछ है इबादत है ठीक है तो ये रैशनल बिहेवियर हो गया सोचने का ठीक है और डोगेटिक क्या हो गया कि नहीं मुझे तो डॉगमा में ही जाना है तो इस तरह से सोसाइटी डॉगमेटिज्म की तरफ जब रैशनैलिटी की तरफ मूव करती है तो वो एक मॉडर्निज्म का फीचर है नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू द न्यूक्लियर फैमिली ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ ज़्यादातर उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था क्योंकि एक आदमी होता था कमाने वाला और दस बच्चे होते थे उसके खाने वाले ठीक है उस समय लोगों के खर्चे भी कम थे इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं थी तो इस वजह से वो चल जाता था लेकिन आज की सोसाइटी क्या हो गई आज की सोसाइटी इतनी उसमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई हर कोई एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता है तो ऑबियस है कि वो महंगा लाइफ स्टाइल तो अब एक बंदा कमाने वाला हो तो दस बंदों को कैसे पाल सकते हो बड़ा मुश्किल है ठीक है ना और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में ज़्यादातर क्या है न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा फंक्शनल है जॉइंट फैमिली फंक्शनल नहीं है क्योंकि आप जानते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो हमें वर्क फोर्स किसके पास चाहिए थी इंडस्ट्री के पास चाहिए थी और न्यूक्लियर फैमिली की क्या डेफिनेशन होती है हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन ठीक है अब आपको वर्कर चाहिए इंडस्ट्री के पास अब आपका दादा दादी मम्मी पापा वो तो गांव में रहते हैं अब उन सबको लेके आप इंडस्ट्री के पास कैसे रह सकते हैं ठीक है वर्क प्लेस के पास नहीं रह सकते ना अब मेरा घर गांव में है वहाँ सभी रहते हैं लेकिन मुझे जॉब मिल गई शहर में तो मैं सबको लेके कैसे आऊँगा अगर मैं शहर में सबको लेके आता हूँ तो पहले मुझे मकान ही नहीं मिलेगा इतना बड़ा ठीक है ना ऊपर से फिर इतना महंगा खर्चा भी नहीं मैं उठा पाऊँगा तो प्रेफरेंस क्या रहेगी न्यूक्लियर फैमिली तो इस तरह से मॉडर्न सोसाइटी किस तरफ मूव कर गई न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर गई उसके बाद है मूवमेंट ऑफ सोसाइटी टू गिव इंपॉर्टेंस टू अचीव्ड स्टेटस ठीक है रादर देन टू एस्क्राइब्ड स्टेटस एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है जो वर्थ बेस्ड होता है ठीक है जो आपके जन्म के साथ जुड़ा हुआ स्टेटस है स्टेटस का मतलब है सोशल रिस्पेक्ट आप कह सकते हो या सोशल पोजीशन कह सकते हो ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंसान की जो रिस्पेक्ट होती थी वो उसकी फैमिली की वजह से होती थी उसकी लीनियस से जुड़ी होती थी उसकी कास्ट से जुड़ी होती थी उस वो किस रिलीजन से संबंध रखता है किस फेथ से किस बिलीफ से संबंध रखता है तो इस तरह से मतलब कि वो उसको सोसाइटी में कंसिडर किया जाता था, था, था लेकिन आज के दौर में लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल की अपने अपने लेवल पे क्या अचीव किया है उसका अपना क्या अचीव्ड स्टेटस है मान लीजिए एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख के आई ऑफिसर बन जाता है प्रोफेसर बन जाता है डॉक्टर बन जाता है इंजीनियर बन जाता है तो लोग उसको ज़्यादा इज्जत देंगे रादर उस बंदे को कि जिसने अपने बाप के नाम के ऊपर दौलत इट्ठी की हुई है या उसके बाप की दौलत को इन्जॉय कर रहा है तो लोग उसको तहजीब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे वो कहेंगे कि ये तो बाप की है ना तुम्हारा क्या है तुम अपना बताओ कि वट यू हैव अचीव्ड तुम्हारी क्या एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है तुम कौन सी ऐसी तुमने उहदा हासिल कर लिया अपनी काबिलियत के ऊपर ठीक है तो इसलिए आज की सोसाइटी में अचीव्ड स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रादर देन आपका कास्ट स्टेटस या रिलीजियस आइडेंटिटी या एथनिक आइडेंटिटी उसके बाद मॉडर्न सोसाइटी मूव की रही है इनइक्वालिटी से इक्वालिटी की तरफ पहले तो आपको पता है इनक्वालिटी को बड़ा चेरिश किया जाता था और मुझे माना जाता था कि ये जो इनक्वलिटीज़ हैं ये डिवाइनली ऑर्डेनड हैं बाकी भगवान ने बनाई है ये जो फ़र्क है ना ये ये भगवान ने रखा है भगवान ने किसी को गोरा बना दिया किसी को काला बना दिया किसी को नीची जाति में पैदा कर दिया किसी को ऊंची जाति में पैदा कर दिया किसी को मर्द बना दिया किसी को औरत बना दिया इसलिए बनाया क्योंकि वो उसको सजा देना चाहता था कुछ लोगों को सजा देना चाहता था और कुछ लोगों को प्रिवलिज देना चाहता था ठीक है ना तो हम इस तरह से उस इन को जस्टिफाई करते थे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में लेकिन आज के दौर में हम कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप किसी भी व्यक्ति को उसके कलर के बेस पे ऊपर उसकी रेस के बेस के ऊपर उसके कल्चर के बेस के ऊपर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ठीक है ऑल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ कानून की नज़र में सभी बराबर हैं और अगर हम बराबर नहीं होंगे तो दुनिया जो है वो तरक्की नहीं कर सकती है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट फीचर है मॉडर्न uh, सोसाइटीज़ का मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम मेल चौबनिज़म टू द वीमन एम्पावरमेंट अर्लीयर सोसाइटीज़ लार्जली पेट्रियारिकल सोसाइटीज़ थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ थी यहाँ पे मेल की ही चलती थी ठीक है मेल ही तय करता था कि फ़ीमेल क्या करेगी फीमेल को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं बात करनी चाहिए किससे बात करनी चाहिए और किससे बात नहीं करनी चाहिए है ना वो सब कुछ मेल डिसाइड करता था उसमें फीमेल का कोई भी रोल नहीं था उसमें उसकी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी ठीक है इस तरह की सोसाइटीज़ में जो फीमेल्स थी वो लार्जली साइड लाइन होती थी और बड़ी ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन का शिकार होती थी लेकिन मॉडर्न सोसाइटी क्योंकि इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे टिकी हुई है तो वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है क्योंकि अगर आबादी का आधा हिस्सा अनपढ़ रह जाएगा बेरोजगार रह जाएगा लेस स्किल्ड होगा तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता इसलिए विमेन एम्पावरमेंट को बेज़ोर दिया जाता है ठीक है ना जैसे हम जानते हैं कि किसी स्कॉलर ने बोला कि इफ़ यू एजुकेट मैन यू एजुकेट इंडिविजुअल इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट फैमिली या कम्युनिटी ठीक है तो इस तरह की जो सोच है ये मॉडर्न सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है उसके बाद अगर हम सोशो कल्चरल लेवल के ऊपर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो वो है चेंज इन द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स रिलेटेड टू कास्ट फैमिली मैरिज एंड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्न वैल्यूज़ आज कास्ट ओरिएंटेड जो सोच है जो पहले थी अनटचेबिलिटी वाला जो बिहेवियर लोग फॉलो करते थे अब लार्जली मॉडर्न आदमी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता ना ही फॉलो करता है उसके बाद कास्ट बेस्ड मैरिज़ होती थी लार्जली है ना विद इन कास्ट एंडोगेमी होती थी अपने ही कास्ट में शादी करनी होती थी अपनी कास्ट से बाहर शादी करना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था उसकी बड़ी पनिशमेंट होती थी सोशल वाइकआउट होता था लेकिन आज ट्रेडिशनल आज मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम देखते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं ठीक है ना अब वो एंडोगेमी वाला इतना कोई रिस्ट्रिक्ट रूल नहीं रह गया जो पढ़े लिखे लोग हैं और शहरों में खासकर जो रहने वाले लोग हैं वो तो ये देखते हैं जब स्पोज uh, सिलेक्शन होती है आपने पार्टनर चुनना है जिंदगी के लिए तो वो देखते हैं कि वो नौकरी क्या कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, है ना अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि, uh, किसी लड़के ने देखना है कि जो मेरी पार्टनर है वो उसमें क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो वो ये थोड़े देखेगा कि वो किस कास्ट जो पहले देखेगा कि वो कहाँ तक पढ़ी लिखी है वो क्या नौकरी कर रही है उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं उसकी सोच कैसी है है ना तो इसी तरह से जब लड़की लड़के को पसंद करेगी शहर में तो वो ये देखेगी कि वो कितना काबिल है है ना और लाइक like माइंडेड है कि नहीं है क्या वो वीमेन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी लिबर्टी को कटेल कर दे है ना मेरी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पहले तो वो इसी क्राइटेरिया पर सोचेंगे ना बाद में आएगा कास्ट फैमिली तो वो तो बाद की बातें आ जाएंगी ठीक है तो इसलिए आज के दौर में शोशो कल्चरल मॉडर्नाइजेशन में जो कास्ट रिलेटेड जो थिंकिंग है वो काफ़ी चेंज हुई है फैमिली के लेवल पे भी ऐसा ही हुआ है पहले फैमिलीज़ में क्या होता था फैमिलीज़ में फादर सेंट्रिक फैमिलीज़ होती थी जिसमें फ़ादर का डिसीजन ही सब कुछ होता था उसमें बच्चों को नहीं पूछा जाता था लेकिन आज की मॉडर्न फैमिलीज़ में जो फादर होते हैं वो बड़े फ्रेंडली हो गए हैं अपने बच्चों के साथ कोई भी बात होती है ओपनली डिस्कस करते हैं बच्चों को बताते भी हैं गाइड भी करते हैं और जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी उनकी पर्सनल लाइफ में उसके बारे में उनको पहले ही गाइड कर देते हैं कि आपने इनको कैसे इनकाउंटर करना है ठीक है उसके बाद अगर हम मैरिज के लेवल पर देखें तो मैरिज़ जो हैं वो भी बड़ी ज़्यादा उसमें तो बड़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुई हैं क्योंकि मैरिज अब अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें तो मैरिज पहले एक बड़ा सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता था कि एक बार जिससे शादी हो गई तो फिर उसके साथ ही रहना है चाहे वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं हुआ अब तो मैरिज क्या हो गई एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी हैं है ना सारे धर्मों में चाहे हिंदू है मुस्लिम है सिख है क्रिश्चन हैं जैन हैं बुद्धिस्ट हैं कि अगर आपकी किसी की पार्टनर अपने पार्टनर से नहीं बन रही तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं आप जुडिशल सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं कोई जरूरी थोड़ा या मजबूरी थोड़ी कि आपने मारी खाते रहना है या ऐसे ही बर्दाश्त करते रहना क्यों बर्दाश्त करना है आपने ठीक है तो इसलिए ये भी सोच क्या हो गई अब बदल चुकी है पहले विडो मैरिज री मैरिजेस नहीं होती थी विधवा का पुनर्विवाह करना एक बड़ा ऐसे माना जाता था ये क्या हो गया लेकिन आज वो एक स्टिग्मा नहीं रह गया है एक नॉर्मल बात हो गई है कि फिर क्या हो गया अगर आप डाइवोर्सी हो अगर आप मतलब आपकी हस्बैंड की डेथ हो गई है या पत्नी की डेथ हो गई है तो आपको दोबारा शादी करनी तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा स्टिग्मा किसी के साथ भी हो सकता है तो इट इज नॉर्मल थिंग ठीक है उसके बाद रिलीजन रिलीजन के लेवल के भी बहुत चेंज हुई है रिलीजन के लेवल पे कैसे चेंज हुई है कि पहले लोग जो मैंने बताया आपको पहले भी कि डॉगोमेटिक बिहेवियर लार्जली होता था अब रैशनल बिहेवियर हो गया अब लोग फिलासफ़ी कल जो उसका कंटेंट है उसको एनालिसिस करते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या है अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है ठीक है ना अब रिलीजन भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं किसके साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर अब तो हर रिलीजन अपनी फिलॉसफी को अप्रूव करता है किसके ग्राउंड के ऊपर साइंस के ग्राउंड के ऊपर और अब जो 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 आपका फंडामेंटलिस्ट बिहेवियर है ऑर्थोडॉक्सी बिहेवियर है जो बिगेटरी बिहेवियर है उसको बड़ा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है उसको सोसाइटी अच्छा नहीं मानती लोग कहते हैं कि ये एक बड़ी रिग्रेसिव सोच है तो प्रोग्रेसिव सोच क्या है ह्यूमनिज़म इसलिए सारे रिलीजन जो हैं वो किस तरफ मूव कर रहे हैं द थिंकिंग ऑफ ह्यूमनिज्म ठीक उस आ, तो ये हमने बात की और कास्ट सिस्टम में अगर हम दोबारा बात करें तो कास्ट सिस्टम में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हुई है आपको पता ही है पहले चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन बड़ा लिमिटेड होता था पर आज ऐसा नहीं है कोई भी कास्ट का आदमी कोई भी ऑक्यूपेशन में जा सकता है ठीक है इसी के साथ जजमानी सिस्टम भी ख़त्म हो गया गांव में पहले जजमानी सिस्टम होता था आप जानते हैं जजमानी सिस्टम में क्या होता था सर्विस के बदले सर्विस की जाती थी काइंड के बदले सर्विस की जाती थी है ना तो मतलब कि इसमें एक कास्ट दूसरी कास्ट पे डिपेंड होती थी अपनी सर्वाइवल के लिए ठीक है और एक तरह का वाटर सिस्टम होता था लेकिन अब कैश फ्लो इकानमी आने की वजह से मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से अब ये जजमानी सिस्टम टोटली वीक हो गया उसी में अगर हम कास्ट सिस्टम में नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो जैसे संस्कृताइजेशन प्रोसेस की वजह से क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट थे उन्होंने अपनी पोजीशन को अपग्रेड करने के लिए ऊंची जातियों का जो लाइफ स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया एम एन श्रीनिवास की किताब में आप ये बेटर और डिटेल में पढ़ सकते हैं उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन वेस्टर्न वेस्टर्न मॉडल हमने फॉलो किया है ना आ, जैसे हमें इंग्लिश बोलना ठीक है उनका ड्रेस हैबिट्स उनका फूड हैबिट्स ये सारा कुछ जो है ये हमने क्या किया ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया और जो मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जे भी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हैं मॉडर्न जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो भी किसकी वजह से है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही हैं तो और भी मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है जो इंडिया का वो भी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे वेस्टर्नाइजेशन के एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी ने काफ़ी प्रोग्रेस किए उस ये वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमर एज ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ठीक है जिसमें आप जानते हैं इंडिविजुअल वेलफेयर मटेरियलिस्टिक पर एटीट्यूड और कंज्यूमरिस्ट लाइफ ठीक है ये अब हाँ अब सिर्फ गाँव शहरों की ज़िंदगी इससे अफेक्ट नहीं हुई गाँव की ज़िंदगी भी अफेक्ट हुई हम जानते हैं कि गाँव की ज़िंदगी पहले बड़ी सिंपल हुआ करती थी लेकिन अब वो अर्बन कल्चर जो है और ये जो वैल्यूज़ हैं ये अब गाँव में भी क्या कर गई हैं परकुलेट कर गई हैं अर्बनाइजेशन अब आप, आपको पता है बड़ी तेज़ी के साथ शहरीकरण हो रहा है गांव शहर बनते जा रहे हैं आ, हर जगह आप देखिए एक मार्केट डेवलप हो जाती है है ना अब जो जो लोग हैं ज़्यादातर किस में जाना चाहते हैं सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं अब लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन छोड़ के या तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर तर्सरी ऑक्युपेशन अडॉप्ट कर रहे हैं और जहाँ आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा सेकेंडरी ऑक्युपेशन या तर्सरी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होती है तो वहाँ क्या बन जाता है शहर बन जाता है ठीक है तो एक बड़ी स्पीडअप के साथ एक प्रोसेस बढ़ना है अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो मॉडर्न वैल्यूज़ के लिए बड़ी सूटेबल प्लेस है क्योंकि मॉडर्निटी फ्लरिश ही कहाँ करती है अर्बन एरियाज़ में बड़ी इजीली फ्लरिश करती है क्योंकि आप जानते हैं वही बात आ गई दरखीम क्या कहता है क्योंकि जो अर्बन uh, सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या होती है वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती है वहाँ पर ठीक है ना तो वहाँ इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं ठीक है लोग गोल ओरिएंटेड उनका मोटिव्स होते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करें एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड अदर फैसिलिटेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इसने भी मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया है टेक्नोलॉजी ने तो सारे हमारा लाइफ ही बदल दी है अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें ये एक ऐसी मशीन है जिसने तो कहते हैं ना कर लो दुनिया मुठ्ठी में <laughs> अब दुनिया मुठ्ठी में हो गई है इसी मोबाइल फ़ोन से आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते और पूरी दुनिया में जो भी घटना घट गट रही है उसका सीधा सीधा आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट पड़ता है तो इसलिए कम्युनिकेशन के साधन बढ़ने से हमारी ज़िंदगी बड़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज़ हो गई है और हम बहुत सारी जो नई मॉडर्न वैल्यूज़ हैं उसको बड़ी ईजिली अडाप्ट कर लेते हैं तो ये था स्टूडेंट्स लेक्चर सोशो कल्चरल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो so, इसी लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे थैंक यू सो मच लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर से